और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां एलएन कोचिंग संस्थान के एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी खबर कोटा से आ रही है, एक बार फिर एक छात्र ने आत्महत्या की है। एलएन कोचिंग संस्थान के ही छात्र ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। छात्र मेडिकल की तैयारी कर रहा था, नाम सुमेर बताया जा रहा है इस छात्र का। सुमेर नाम के इस छात्र ने आत्महत्या कर ली है फांसी का फंदा लगाकर। नागौर का रहने वाला था सुमेर, और अब तक हम बता दें कि इस साल कोटा में ये 28वीं मौत है, आत्महत्या है। 28 छात्र या छात्राएं अब तक आत्महत्या खुदकुशी कर चुके हैं, तो ये जो संख्या है लगातार बढ़ रही है, आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम बता दें कि अभी 48 घंटे पहले ही एक और छात्र ने अपनी जान दी थी, और एक बार फिर एक मौत की खबर आई, आत्महत्या की खबर आई कोटा से ही। एलएन कोचिंग के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है, जिसका नाम है सुमेर, नागौर का रहने वाला था सुमेर, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मेडिकल की तैयारी कर रहा था सुमेर। और कोटा से सी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे हिमांशु का। हिमांशु, 48 घंटे के अंदर यह दूसरी मौत, और इस साल ये 28वीं खुदकुशी है। अभी से देखिए, ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये सब कुछ एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक संस्थान, एलन कोचिंग संस्थान से। मानो पूरी तरह से बेपरवाह है, एक के बाद एक खुदकुशी के मामले के बाद भी किसी भी तरह से कोई भी गंभीरता एलन कोचिंग संस्थान के अंदर नजर नहीं आती। जिला कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने अब से 5 दिन पहले ही गाइडलाइन जारी की थी, और इसके साथ में उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए गंभीरता से निर्देश दिए थे, और साथ में ये भी कहा था कि अगर अब किसी कोचिंग संस्थान से खुदकुशी का मामला सामने आता है तो उस संस्थान के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 48 घंटे के अंदर, 5 दिन ही हुए हैं उस मीटिंग को, और 48 घंटे के अंदर 2 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं, एक साल में 28 छात्र, और जिसमें से अगर मैं आंकड़ा निकालूं तो 80% छात्र सिर्फ और सिर्फ एलन कोचिंग संस्थान से। ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो निश्चित तौर पर अभिषेक, अगर मैं ये कहूं कि कोटा से डर लगने लगा है, अगर ये कहा जाए तो किसी भी तरह से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से खुदकुशी बिल्कुल मामले सामने बिल्कुल। हिमांशु, हम अपने दर्शकों को एक बार वो तस्वीरें भी दिखा दे रहे हैं। दरअसल वो आई कार्ड है, उस लड़के का आईडी कार्ड है जिसमें उसकी तस्वीर है। हम बता दें कि ये तस्वीर सुमेर की है, सुमेर राम खड़व इस स्टूडेंट का नाम है, इस छात्र का नाम है, जिसकी मौत हुई है। जी राजस्थान न्यूज पर सबसे पहले हम आपको यह तस्वीर भी दिखा रहे हैं इस छात्र की, जिसने आत्महत्या की है। और एलन कोचिंग का लगातार नाम आ रहा है बार बार, क्योंकि एक बार फिर जो मौत हुई है वो एलन कोचिंग के ही छात्र ने खुदकुशी की है। एक बार फिर हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, सवाल यह भी है कि अगर आत्महत्या के मामले इतना ज्यादा सुर्खियों में रहे, सवाल यह भी है कि जयपुर में इसको लेकर मीटिंग हो गई, गाइडलाइंस जारी कर दी गई, उसके बाद भी क्या इन संस्थानों में स्टूडेंट्स को बिठाकर कभी काउंसलिंग की गई? एक बार मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी तैयारी अगर स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो क्या उनकी काउंसलिंग की गई है? देखिए अभिषेक, यहाँ पर बात अगर ये की जाए कि काउंसलिंग की गई है तो ये कोई अब बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि दरअसल कई सारी चीज़ें हैं जिन पर बहुत पहले से वर्कआउट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि अगर बात करें शुरुआत में, जब स्टूडेंट, इसकी शुरुआत अभिषेक वहाँ से होती है कि जब कोई स्टूडेंट कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने के लिए आता है तो उस समय ही, जो अभी गाइडलाइन तय हुई है उसके अनुसार बात यह है कि उस समय ही उसकी काउंसलिंग हो जानी चाहिए, उसके परिजनों की काउंसलिंग हो जानी चाहिए कि उस बच्चे एक स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए उस बच्चे का एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल करके उसको पूरी तरह से कोचिंग संस्थान माप सकता है कि ये बच्चा डिजर्व करता है मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या नहीं। और साथ में शुरुआत ही के वक्त में ही बता दिया जाए कि ये बच्चा सिलेक्ट हो सकता है या नहीं। लेकिन अभी हो ये रहा है कि हर किसी बच्चे का किसी तरह से कोई टेस्ट नहीं होता। अगर हिमांशु, इतनी घटनाएं जब आती हैं तो एक बार आप एक सेशन बुला सकते हैं, आप अब भी कर सकते थे कि आप सारे स्टूडेंट्स को बैठाते, क्योंकि जब एक बार आपके मन में ये डर हो जाता है कि आपके संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, तो एक बार बच्चों को बिठाकर आपको बात करनी चाहिए थी। आपको सारे बच्चों को एक बार ग्रुप सेशन में बुलाकर और बोलना चाहिए था कि भाई आप अपने ऊपर दबाव न लें, इस बात को लेकर आप समझा सकते थे। लेकिन कहीं हिमांशु ऐसा लगता है कि इन संस्थानों को कोई फिक्र ही नहीं है।
देखिए बिल्कुल वाजिब सवाल अभिषेक आपका है और निश्चित तौर पर कुछ हो भी ऐसा ही रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि काउंसलिंग होती है लेकिन दरअसल भेदभाव जो स्टूडेंटों के साथ में होता है वो भी एक सबसे बड़ा तनाव स्टूडेंट के ऊपर होता है। दरअसल होता यह है कि ये कोचिंग संस्थान कुछ टॉपर्स जो स्टूडेंट होते हैं उनको रैंक के आधार पर टॉप बैच देते रहते हैं और साथ में ही उन्हें बेस्ट फैकल्टी टीम, बेस्ट काउंसलिंग टीम मॉनिटर करती है और बेस्ट फैकल्टी टीम उन्हें टीच करती है। ऐसे में जो कोचिंग संस्थान के टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, जो आगे निकल जाते हैं और जो बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं या जो जिनकी रैंक बहुत कमजोर होती है उन्हें बहुत साधारण से टीचर दिए जाते हैं। ऐसे में जो उनकी रैंक है वो पिछड़ती चली जाती है। हिमांशु, हिमांशु सही बात है, ये एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। हम एक बार एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये सुमेर की तस्वीर तो दिखा ही रहे हैं, साथ में हम ये भी दिखा रहे हैं कि जो सुसाइड नोट छोड़ा है सुमेर ने उसकी भी तस्वीर एक्सक्लूसिव हमारे पास है। हिमांशु ये बताएं कि सुसाइड नोट में लिखा क्या हुआ है, क्या कहा है सुमेर ने? देखिए अभिषेक, सुमेर ने दो सुसाइड नोट छोड़े हैं जिसमें एक सुसाइड नोट में एक सुसाइड नोट तो उसने अपने साथी रूम पार्टनर के नाम पर छोड़ा है जिसमें स्पष्ट तौर पर उसने लिखा है कि मैं आपके कमरे में आत्महत्या कर रहा हूं, मुझे माफ करना। और दूसरा सुसाइड नोट उसने अपने परिजनों के लिए लिखा है जिसमें सीधे तौर पर सुमेर ने यही जिक्र किया है कि वो अब अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाया है। साथ में उसने अपनी माँ से सॉरी फील किया है कि शायद वो आप मुझे बहुत याद करेंगे। और इसी तरह का एक दर्द भरा पूरा की पूरा सुसाइड नोट सुमेर ने अपने परिजनों के लिए लिखा है। निश्चित तौर पर ये सुसाइड नोट की अगर लैंग्वेज को समझा जाए तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में सुमेर था और डिप्रेशन सीधे तौर पर पढ़ाई का था। वो जो सपना उसके माँ बाप ने देखा था कि सुमेर एक बेहतर डॉक्टर होगा लेकिन कहीं ना कहीं जो रैंक थी उसकी बेहतर नहीं चल रही थी और परफॉर्मेंस उसकी धीरे धीरे परफॉर्मेंस में वो धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा था और इसी को लेकर के वो डिप्रेशन में था और पढ़ाई का तनाव उस पर इस कदर हावी हुआ कि सुमेर ने भी खुदकुशी कर। बिल्कुल हिमांशु, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न बन गया है कि आखिर इसका जवाब क्या होगा और कौन इसका समाधान ढूंढेगा कि आखिर ये आत्महत्याओं का जो सिलसिला है ये कैसे रुकेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कोटा में एक बार फिर आत्महत्या की घटना ने सबको चौंका दिया। 48 घंटे के अंदर एक दूसरी जो घटना है सामने आई है सुमेर नाम के छात्र की।